गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएस संस्कार शाला। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। देखिए, नाइन्थ क्लास में आप सब लोग पढ़ के आए हो कि मैटर को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे टू ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस आगे चल के फर्दर टू ग्रुप्स में क्लासिफाई हो जाते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखिए, जो एलिमेंट्स होते हैं ये आगे जाके क्लासिफाई हो जाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। एंड जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो आगे चलकर बटे होते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, मैटर को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर क्लासिफाई किया गया है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में। इसको मिक्सचर भी बोलते हैं। और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको फिर क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स आगे जाके बढ़ जाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। एंड कंपाउंड आगे जाके बढ़ते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तुम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज all compounds can be classified into three groups: सभी कंपाउंड्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर क्लासिफाई किया गया है थ्री ग्रुप्स में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड,
एसिड, बेस एंड सॉल्ट. एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में? श्योर होते हैं, श्योर इन टेस्ट. एंड बेस कैसे होते हैं? विटर इन टेस्ट. क्लियर? एंड सॉल्ट, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर. क्लियर? अब देखिए, सारी चीजों को टेस्ट करके नहीं बताया जा सकता कि एसिड या बेस के बारे में, क्योंकि सारी चीजों को कहां तक ऐसे खा के चाक के बताओगे कि क्या चीज एसिड है क्या चीज बेस है, तो ये इम्पॉसिबल है. तो इसके लिए हम कैसे पहचान करेंगे फिर एसिड और बेस की? एसिड और बेस की पहचान कैसे करेंगे कि क्या एसिड है क्या बेस है? देखिए, उसके लिए हम कुछ ऐसे सब्सटेंस का यूज करते हैं जो अपना कलर डिफरेंट डिफरेंट शो करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में. तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं. तो क्या होते हैं इंडिकेटर? एन इंडिकेटर इज ए डाई विच गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एन एसिड एंड ए बेस. तो क्या करते हैं? अपना डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में. एसिडिक सॉल्यूशन में इनका कलर कुछ और होगा और बेसिक सॉल्यूशन में कुछ और होगा. तो इनसे पता लगाया जा सकता है कि क्या चीज एसिड है और क्या चीज बेस है. तो क्या है इंडिकेटर जो इंडिकेट करते हैं कि क्या एसिड है और क्या बेस है? तो इंडिकेटर्स से एसिड और बेस की पहचान की जाती है. अब देखिए, इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स तो हमारे इंडिकेटर्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? देखिए, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो कहां से मिलते हैं? हमें नेचर से मिलते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स उनको कहते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे लिटमस, और टर्मेरिक. ये कैसे इंडिकेटर्स हैं? ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. क्यों है ये नेचुरल इंडिकेटर्स? क्योंकि कहां से मिलते हैं हमें? नेचर से मिलते हैं. जो हमारा लिटमस होता है वो कहां से मिलता है हमें? ये लाइकेन प्लांट से मिलता है जो थैलोफाइटा डिविन से बिलोंग करता है. कहां से मिलता है हमको? लाइकेन, लाइकेन से मिलता है. एंड जो टर्मरिक होती है ये भी हमें प्लांट से मिलती है.
तो ये इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेटर्स हुए? नेचुरल इंडिकेटर्स, क्योंकि हमें नेचर से मिल रहे हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इनको हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं उन इंडिकेटर्स को जो लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को क्या कहते हैं? हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोफिथिलीन, ये कैसे इंडिकेटर्स हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। क्यों? क्योंकि इनको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। क्लियर? पढ़ते हैं चलो एक एक के बारे में। लिटमस कैसा इंडिकेटर है? ये नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर दैट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस इन द लैबोरेटरी। किस चीज में यूज होता है इसका? एसिड और बेस की टेस्टिंग में। लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और लिटमस पेपर। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट होता है ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। देखिए लिटमस जो होता है कहां से मिलता है? ये लाइकेन से मिलता है। और इसका जो नेचुरल कलर होता है वो कैसा होता है? इसका नेचुरल कलर जो होता है वो पर्पल होता है। कैसा कलर होता है लिटमस का? पर्पल कलर होता है। इसको चेंज किया जाता है ब्लू लिटमस में और रेड लिटमस में। तो जो एसिड्स होते हैं देखिए जो एसिड्स होते हैं वो कैसा कर देते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। जो हमारे एसिड्स होते हैं और बेस बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस रेड लिटमस टू ब्लू। जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और ब्लू लिटमस को कैसा करेंगे? बेस होंगे हैं तो वो ब्लू ही रहेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज कैसा इंडिकेटर है? देखिए लिटमस नेचुरल इंडिकेटर था और एक और एग्जांपल लिया था हमने टर्मेरिक। टर्मेरिक कैसा इंडिकेटर था? नेचुरल इंडिकेटर था। देखिए इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको एक्सपेरिमेंट के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको घर पर ही मिल जाएंगी। तो टर्मेरिक जो होता है सभी ने देखा होगा हल्दी, इसका जो नेचुरल कलर होता है वो कैसा होता है? द नेचुरल कलर ऑफ
ऑफ टर्मरिक, येलो। कैसा होता है इसका नेचुरल कलर? येलो होता है। तो देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देती है? एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर येलो ही रहता है। कैसा रहेगा? येलो ही रहेगा। और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा इसका कलर? रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। तो पहचान सकते हो आप इससे एसिड और बेस को कि अगर टर्मरिक का कलर येलो हो रहा है तो वो एसिड और रेड हो रहा है तो बेस है। कई बार आपने घर पे भी देखा होगा कभी खाना खाते वक्त आपकी व्हाइट शर्ट पे अगर हल्दी गिर जाए, खाना गिर जाए तो येलो येलो हो जाता है। और फिर जब आप उसको वॉश करने के लिए जाते हो और उस पर क्या लगाते हो, वही सर्फ लगाते हो, तो फिर कैसा हो जाता है उसका कलर? रेड हो जाता है। तो जो हल्दी है, जो टर्मरिक है, वो किस चीज को इंडिकेट कर रही है? वो ये इंडिकेट कर रही है कि जो आपने सर्फ लगाया है उस पर वो कैसे नेचर का है? बेसिक नेचर का है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ये कैसा इंडिकेटर है? सिंथेटिक इंडिकेटर है, लैब में इसको बनाया जाता है। इसका जो नेचुरल कलर होता है कैसा होगा इसका नेचुरल कलर? तो मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज ही होता है। और ये क्या करता है? देखिए, इट गिव्स पिंक कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा? ये पिंक कलर, और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देता है जो मिथाइल ऑरेंज होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है। और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देता है। क्लियर? तो इससे आप पहचान सकते हो कि क्या एसिड और क्या बेस है। अगर पिंक कलर दिया है तो फिर एसिड है, और येलो कलर दिया है तो फिर बेस है। क्लियर? कि फिनॉल फेथिलीन ये कैसा इंडिकेटर है? ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, या फिर इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। तो इसका जो ये कलरलेस होता है, कैसा होता है? कलरलेस होता है। और ये एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा रहता है? कलरलेस ही रहता है, और पिंक कलर देता है ये बेसिक सॉल्यूशन में। अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो ये कलरलेस ही रहेगा। एंड बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर देता है। तो ये तो हमारे कुछ इंडिकेटर्स जिनका यूज करते हैं हम एसिड और बेस को पहचानने में।
देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किन्हें कहते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में इनकी स्मेल कुछ और होगी और बेसिक सॉल्यूशन में कुछ और स्मेल होगी। The term olfactory means relating to the sense of smell. ये जो word है olfactory, ये किससे related है? Sense of smell से। तो ये ऐसे indicators होते हैं जो अपनी smell change कर लेते हैं acidic और basic solution में। जैसे आपका onion है, clove oil है, लौंग का तेल, तो ये ऐसे indicators हैं कि इनकी smell change हो जाती है। acidic solution में कुछ और smell होगी और basic solution में कुछ और स्मेल होगी। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जो ऑनियन होती है कि जो ऑनियन होती है वो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसकी स्मेल जो है बरकरार रहती है, स्मेल बनी रहेगी। स्मेल जो है वो बनी रहेगी और जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो स्मेल चली जाएगी, नो स्मेल। ठीक है, ऐसे ही क्लोव ऑयल होता है, इसको भी जो एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इसका जो स्मेल है वो बनी रहती है। और बेसिक सॉल्यूशन में इसकी स्मेल भी गायब हो जाती है, नो स्मेल। तो समझ आया, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है। एसिडिक सॉल्यूशन में कुछ और स्मेल रहेगी और बेसिक सॉल्यूशन में कुछ और स्मेल रहेगी। जैसे हमारी ऑनियन थी तो जब हमने इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो इसकी स्मेल जो है वो बरकरार रही, जो स्मेल आती है ऑनियन में, और जो बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो स्मेल गायब हो गई, नो स्मेल। ऐसे ही हमारा क्लोव ऑयल है, जब एसिडिक सॉल्यूशन में डाला गया तो उसकी स्मेल बनी रही और बेसिक सॉल्यूशन में कोई स्मेल नहीं, नो स्मेल। ठीक है, तो इनसे भी पता चल सकता है कि क्या एसिड है क्या बेस है। अगर स्मेल आ रही है तो फिर एसिड है और नहीं है तो फिर बेस है। क्लियर? अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड, इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस, जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एसिड की। तो आप सब लोग जानते हो कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्ट में श्योर होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एसिड एसिडिक सब्सटेंस हैव ए सॉर इन टेस्ट। कैसे होते हैं टेस्ट में? खट्टे होते हैं। ठीक है, आपने नींबू वगैरह खाया होगा, ऑरेंजेस खाए होंगे, तो उनमें खट्टापन किसकी वजह से होता है? एसिड की वजह से ही होता है। तो जो भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में? श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं। और देखिए एक्शन ऑन लिटमस पेपर, क्या एक्शन होता है इनका लिटमस पेपर पे? तो जो एसिड होते हैं वो टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को कैसा कर देते हैं? रेड कर देते हैं। अब देखिए, जूस ऑफ रॉ मैंगो, कच्चे आम का जूस हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गए, ये सब कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्यों होते हैं खट्टे? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है इनमें। क्लियर? अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सॉस, जो एसिड्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है टू टाइप से। फर्स्ट होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सेकेंड होते हैं हमारे
इनऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं द एसिड्स प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. देखिए ये जो एसिड्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? एडिबल एसिड्स ही बोलते हैं, जिनको हम खाते हैं ना, एडिबल एसिड्स ही बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को. फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे सिट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है आपका, एसिटिक एसिड है. सिट्रिक एसिड किस चीज में पाया जाता है? किस चीज में पाया जाता है सिट्रिक एसिड? सिट्रिक एसिड हमारा नींबू में होता है, ऑरेंजेस में यही पाया जाता है सिट्रिक एसिड. और टार्ट्रिक एसिड किस चीज में पाया जाता है? इमली में. फॉर्मिक एसिड ये चींटी के डंक में होता है और इनको खाया नहीं जा सकता. जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं. तो इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड. तो मिनरल्स एसिड क्या होते हैं? जो कहां से मिलते हैं हमें? मिनरल्स से प्रिपेयर करते हैं इनको. जिससे आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कैसा एसिड है आपका? इनऑर्गेनिक एसिड है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कैसे एसिड्स हैं? ये आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं. देखिए जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनमें क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है. क्या होता है इनमें? कार्बन प्रेजेंट होता है. और जो इनऑर्गेनिक होते हैं इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है. क्या होता है फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? HCl. नाइट्रिक एसिड? HNO3. और कैसे होते हैं जो आपके, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं आपके एसिड्स की? तो कोरोसिव नेचर होता है, आप सभी जानते हो. एसिड कहीं पे गिर जाए आपके किसी बॉडी पार्ट पे, अगर एसिड गिर जाए तो कैसा कर देता है? जला देता है. तो कैसा होता है इनका नेचर? कोरोसिव नेचर होता है. यहां डाल देते हैं. जो एसिड्स होते हैं उनका नेचर कोरोसिव होता है. और देखिए जो एसिड्स होते हैं दे गिव एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. एच पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में जो आपके एसिड्स होते हैं, जैसे HCl है तो एच पॉजिटिव देगा. एच पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव. H2SO4 है, ये भी हमारा क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन देगा और SO4 निगेटिव. ठीक है, जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. और देखिए बेस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. तो बेस जो होता है वो कैसा होता है टेस्ट में? विटर होता है. विटर इन टेस्ट कड़वा होता है ना. दे आर सॉपी टू टच. देखा होगा आपने कभी साबुन को ऐसे टच करके, कैसा होता है वो? सॉपी होता है. तो जो भी बेस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? टच करने पर सॉपी होते हैं. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. शॉप इनो NaOH आपका एसिड है, वो बेस है. सॉरी बेस. देखिए लिटमस पे क्या रिएक्शन होता है इनका? जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? ब्लू. इनो का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है. तो इनो हम इसलिए कंज्यूम करते हैं
जिससे एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर सके। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नई क्लास के साथ, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिएगा। और देखिए 9:30 बजे से सर की क्लास है, तो सभी बच्चे उसमें जुड़ जाएं। ठीक है।